Welcome back to our channel Tri-City Property Guru. मैं हूँ आपकी host Tarannum and I am back with another video. तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत अच्छी investment option in New Chandigarh in the project named as Suntec City. Suntec City is a complete 157 acres township जो located है आपके न्यू चंडीगढ़ में सेक्टर 21 एंड 22 में कनेक्टेड रहेगी आपके PR7 इंटरनेशनल एयरपोर्ट रोड के साथ जो आपका 200 फीट वाइड रोड है जो आपके प्रोजेक्ट के बिल्कुल एडजॉइंट आ जाएगा. मतलब हम ये बोल सकते हैं कि मोहाली की तरफ से अगर आप न्यू चंडीगढ़ के लिए आएंगे तो ये आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट आ जाता है जो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा. तो गाइस यहाँ है हमारी मेगा टाउनशिप का मेगा गेट, बहुत बड़ा एंट्री गेट है एंड यहाँ है हमारा PR7 इंटरनेशनल एयरपोर्ट रोड जो आपका 200 फीट वाइड है जो प्रोजेक्ट के बिल्कुल कनेक्टेड रहेगा. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा प्रोजेक्ट है एंड ये आपका हाईवे आ जाएगा. एंड गाइस एक अच्छी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसके सामने वाला जितना भी एरिया आप देख रहे हैं ना, सारा जितना भी ग्रीन एरिया है ये आपका सारा रिक्रिएशनल जोन आ जाएगा जो आपका यहाँ पे इन फ्यूचर मतलब कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं होगी. अगर आएगा तो यहाँ पे लाइक आपके पार्क्स आ जाएंगे या फिर आपके स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस आ जाएंगे, बट कोई भी कंस्ट्रक्शन यहाँ पे इन फ्यूचर नहीं होने वाली है. तो ये एरिया आपका सारा ग्रीन ही यहाँ पे रहने वाला है. तो अच्छी चीज़ आपको ये मिल जाती है कि प्रोजेक्ट के एडजॉइंट में ऐसे प्लेसेस रहेंगे कि जो आपके फॉरएवर ग्रीन रहेंगे, जहाँ से आपको नेचुरल ऑक्सीजन जो है वो हमेशा मिलती रहेगी. तो आइए अब चलते हैं टाउनशिप के अंदर एंड आपको अंदर से टाउनशिप में एक्सप्लोर करवाती हूँ. गाइस हम कनेक्टिविटी की बात कर रहे थे तो मैंने आपको PR7 रोड तो दिखाई दिया है, बट उसी के साथ साथ प्रोजेक्ट के एडजॉइंट में एक और प्रपोज रोड आ जाएगा जो आपका VR10 रोड है, प्रोजेक्ट के बिल्कुल एडजॉइंट में रहने वाला है. अगर उसकी कनेक्टिविटी की बात करूँ तो वो रोड जैसे आपका PR7 मोहाली से आ जाता है, आगे आके आपका एक मिक्सचर प्लांट आता है, वहाँ पर आपका इन फ्यूचर पूरा एक राउंड अबाउट आएगा एंड वहीं से आपका VR10 इस प्रोजेक्ट के एडजॉइंट से बिल्कुल निकलता हुआ आपके PR4 को आगे जाके टच करेगा, जहाँ से आपको सीधी चंडीगढ़ की कनेक्टिविटी मिल जाती है. लाइक आप PR7 से जाएंगे तो ये फर्दर आपको कनेक्ट करता है दक्षिण मार्ग से, देन आपको मध्य मार्ग से, देन आप वहाँ से चंडीगढ़ जा सकते हैं, दक्षिण मार्ग से भी जा सकते हैं. यहाँ से आपको डायरेक्ट चंडीगढ़ के लिए कनेक्टिविटी मिल जाएगी क्योंकि ये डायरेक्टली आपका PR4 से कनेक्ट करेगा जो आपका दक्षिण मार्ग है. सो ये थी कनेक्टिविटी की बात. अब प्रोजेक्ट को अंदर से एक्सप्लोर करवा देती हूँ आपको. बहुत सारी चीज़ें हैं. अगर इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो आपको प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस मिल जाती हैं, जिनमें से फर्स्ट आ जाएगा प्लॉट्स आपके जो आपको डिफरेंट साइज में मिल जाते हैं. 166 स्क्वायर यार्ड से शुरू होकर 1000 स्क्वायर यार्ड तक आपको यहाँ पे प्लॉट्स के ऑप्शन मिल जाएंगे. बहुत सारे लोग यहाँ पे प्लॉट बाय करके अपना घर बनाना शुरू भी कर चुके हैं. बहुत सारे जो लोग हैं वो घर ऑलरेडी बना चुके हैं, शिफ्ट भी यहाँ पे हो चुके हैं. देन उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको कमर्शियल स्पेसेस की भी ऑप्शन मिल जाएगी, जिसमें आपके पास दो ऑप्शंस हैं. एक तो आप प्लॉट लीजिए एंड अपना कमर्शियल खुद ब खुद बना लीजिए एंड दूसरी ऑप्शन कि आपको बना बनाया कमर्शियल अगर आप लेना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी यहाँ पे आपको अवेलेबल रहेगी. कमर्शियल्स में अगर मैं बात करूँ कि किस किस चीज़ में आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस मिलेंगी, तो आपके शोरूम्स आ जाएंगे, आपके डबल स्टोरी शॉप्स आ जाएंगी, आपके बूथ्स आ जाएंगे, मतलब 3 डिफरेंट ऑप्शंस आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में मिल जाती हैं. एंड उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपको फ्लोर्स में भी इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिल रहा है जो आपके S+4 कंसेप्ट के साथ आ जाते हैं. एंड गाइज लो राइज में भी ये लोग आपको लिफ्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, जो एक अच्छी चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी. साइज़ की बात करूँ तो 2168 स्क्वायर फीट का आपका फ्लैट रहने वाला है. एंड अगर हम प्लॉट साइज़ की बात करेंगे जिसके ऊपर आपके जो फ्लोर्स हैं वो बिल्टअप हैं, तो 266 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट साइज़ रहेंगे जिन पर आपके ये फ्लोर्स बने हुए हैं. तो आइए अंदर से आपको और भी चीज़ें मैं दिखा देती हूँ, फिर हम चलेंगे हमारा फ्लोर विजिट करने के लिए. आइए
सो गाइस अभी हम आ चुके हैं प्रोजेक्ट के अंदर। मेरे सामने है हमारा फ्रंट गेट एंड वहां से हम एंट्री कर चुके हैं। एमिनिटीज की बात कर लेंगे तो पहले आप रोड ही देख लीजिए। इस तरीके के कुछ रोड आपको मिलने वाले हैं प्रोजेक्ट के अंदर देखने को। राउंड अबाउट्स भी आपके प्रॉपर बने हुए हैं, लाइक 40-45 फीट वाइड आपके रोड रहने वाले हैं। उसके बाद हम एमिनिटीज की अगर फर्दर बात करें तो आपको यहाँ पे 17-18 आपके पार्क्स मिल जाएंगे डिफरेंट, जिसमें आपको एमिनिटीज मिलेंगे। आपके गजीबोज आ जाएंगे, किड्स प्ले एरिया रहेंगे, आपके सिटिंग के लिए स्पेसेस रहेंगे, वॉकिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक, लाइक बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। यहाँ पे ओपन जिम आ गया आपका, आपको बिल्कुल सेपरेट किड्स प्ले एरिया आ जाएगा। देन उसके बाद अगर हम फर्दर बात करें आपके पार्क्स के बाद, तो यहाँ पे पूरे ही प्रोजेक्ट के अंदर आपको यहाँ पे डिस्पेंसरीज मिल जाएंगी, आपके स्कूल्स आ जाएंगे, हाई स्कूल एंड प्राइमरी स्कूल आपके प्रोजेक्ट के अंदर ही बिल्कुल आपको मिल जाएंगे। तो बच्चों के एजुकेशन की टेंशन भी आपको इतनी नहीं रहेगी क्योंकि अंदर ही चीज़ें आपको सारी मिल जाएंगी। उसके बाद बात करेंगे तो आपका क्लब हाउस आ जाएगा जो आपका 1.5 एकड़ में बना होगा, जिसमें आपको बहुत सारे एमिनिटीज मिलने वाली है, जैसे कि आपका बैंक्वेट हॉल हो गया, कोई भी आपको पार्टीज वगैरह करनी है, कोई भी आपकी एंगेजमेंट सेरेमनी है, वेडिंग सेरेमनी है, वो आप अंदर ही कर सकते हैं अपने क्लब हाउस में। देन आपके स्विमिंग पूल्स आ जाएंगे, आपके रेस्टोरेंट्स आ जाएंगे, आपके जिमनाजियम, आप फिटनेस फ्रीक हैं, आपको प्रोजेक्ट के अंदर ही यहाँ पे जिम प्रोवाइड कर दिया जाएगा, बाहर जाने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लाइक वैसे तो आपको बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैंने आपको बताया था कि फ्रंट में आपका सारा कमर्शियल आ जाएगा, तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें वैसे ही प्रोवाइड हो जाएंगी। तो ये तो थी हमारी क्लब हाउस की बात, जिसमें आपको डिफरेंट एमिनिटीज मिल जाएंगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्लॉट्स के ऑप्शन भी अवेलेबल हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे अपना प्लॉट बाय करके अपना कंस्ट्रक्शन भी शुरू कर चुके हैं, बहुत सारे लोग रहना भी शुरू कर चुके हैं। जैसे कि आप मेरे पीछे ये देख रहे हैं, यहाँ पे आपका काफ़ी सुंदर सा एक विला बन रहा है, जो आपका अभी इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, मतलब फिनिशिंग लुक पे है अपना। तो इस तरीके से लोग यहाँ पे बहुत सारे, जैसे अगर आप इस तरफ देखेंगे, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन चल रहा है, पीछे आपका जो घर है वो पूरा बन चुका है। लाइक ऐसे ही बहुत सारे डिफरेंट विलाज यहाँ पे ऑलरेडी बन चुके हैं, लोग यहाँ पे ऑलरेडी रहना भी शुरू कर चुके हैं। सो गाइज ये तो थी हमारे आउटर एरिया की बात, बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी। अब फाइनली हम चलेंगे हमारे फ्लोर्स की तरफ। सो गाइज यहाँ है हमारे S+4 के फ्लोर्स जो आपको विद लिफ्ट मिलने वाले हैं, बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। बता देती हूँ कि सारी जो पार्किंग रहेगी आपकी वो स्टिल्ट में रहेगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख ही सकते हैं आपकी गाड़ियाँ कुछ पार्क भी हो रखी हैं। जब वो कंस्ट्रक्शन है वो भी चल रहा है गाइस, बट मैं आपको बता दूं कि अभी से इनके जो लाइक 40-50 जो यूनिट्स हैं वो ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुके हैं, बहुत कम इन्वेंट्रीज यहाँ पे बची हुई हैं। तो अगर आप भी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सर्च कर रहे हैं तो आप जल्दी जल्दी कॉल कर लीजिए, क्योंकि बहुत लिमिटेड इन्वेंट्रीज यहाँ पे बची हुई हैं। बता देती हूँ आपको कि यहाँ पे S+4 जैसे मैं आपको बताया, तो आपके जो टॉप फ्लोर्स रहेंगे, जो आपका फोर्थ फ्लोर रहेगा, उनको जो है वो रूफ राइट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। एंड गाइज यहाँ पे ना आपको बहुत जगह पे ऐसा होता है कि आपको पूरे 100% रूफ राइट्स नहीं मिलते हैं, क्योंकि आपके वाटर टैंक्स वगैरह भी छत पे होते हैं, तो उनके लिए भी लोगों को एक्सेस करना होता है, तो एक ही एंट्री रहती है आपकी। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपको 100% रूफ राइट्स मिलेंगे, जो आपका वाटर टैंक्स वगैरह का जो स्पेस है वो आपका बिल्कुल डिफरेंट आ जाएगा, उसका दरवाज़ा अलग है, आपके जो रूफ होगा उसका दरवाज़ा अलग है, आपको रूफ राइट्स मिलेंगे, आप अपने जो रूफ है उसको लॉक भी कर सकते हैं, अगर आपको जब यूज़ करना हो आप ओपन कर सकते हैं, जब आपको नहीं यूज़ करना हो, कहीं जाना हो, आप अपना रूफ पूरा लॉक करके जा सकते हैं। टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं वो आप वहाँ पे कर सकते हैं, शेड वगैरह बनाना चाहते हैं, तो काफ़ी अच्छी फैसिलिटी आपको ये यहाँ पे मिल रही है। तो गाइस यहाँ से चलेंगे अब हम, एंड मैं आपको एक्चुअल फ्लोर दिखाने वाली हूँ। यहाँ पे जो चीज़ आपको जैसी प्रोवाइड होगी वैसी सारी चीज़ मैं आपको दिखाऊंगी, जो मैं आपको फ्लोर दिखाने वाली हूँ उसमें जो जो चीज़ें आप देखेंगे वो सारी आपको एज इट इज़ मिलने वाली है विद द परचेज। तो आइए चलते हैं। तो गाइज ये है हमारा आज का एक्चुअल अपार्टमेंट जो मैं आपको रिव्यू करवाने वाली हूँ, बट उससे पहले ना मैं आपको बाहर का ये जो आपका लॉबी एरिया है ये दिखा देती हूँ, जो आपका कॉरिडोर एरिया रहेगा। गाइज बहुत स्पेशियस आपको कॉरिडोर यहाँ पे मिल रहा है, अपने घर के बाहर अगर आप यहाँ पे प्लांट्स वगैरह लगाना चाहें ना आप लगा सकते हैं, काफ़ी अच्छा स्पेस आपको यहाँ पे भी मिल रहा है, यहाँ पे भी मिल रहा है। शू रैक वगैरह रखना चाहें वो भी आप रख सकते हैं। सेंटर में आपका लिफ्ट आ जाएगा एंड यहाँ पे आपकी स्टेयर्स आ जाएंगी, मतलब दोनों चीज़ें प्रोवाइडेड रहेंगी फ्लैट में एक्सेस करने के लिए।
तो आइए चलते हैं अंदर। ये रहेगा हमारा 3+1 BHK, जिसमें आपको यूटिलिटी स्पेस भी मिलेगा लाइक योर स्टोर रूम, एंड आपको क्रॉकरी यूनिट भी लाइक प्रॉपर स्पेस आपको मिल जाएगा क्रॉकरी यूनिट के लिए भी। तो आइए चलते हैं अंदर एंड इसको एक्सप्लोर करते हैं, आइए। तो गाइज ये है हमारा आज का एक्चुअल फ्लैट, जो आपको एज इट इज मिलेगा जब भी आप यहाँ पे फ्लैट परचेज करेंगे। एंट्री करते ही सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है आपका ड्राइंग स्पेस, जिसके अगर मैं साइज की बात करूँ तो इसका साइज रहेगा आपका 11x17.6। बैल्कनी बिल्कुल अटैच रहेगी, बट बैल्कनी दिखाने से पहले मैं आपको इसके स्पेस के बारे में थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। गाइज यहाँ पे इतना स्पेस है कि आप 8-सीटर सोफा आराम से एडजस्ट कर सकते हैं, उसके साथ साथ टेबल रखना चाहें वो भी रख सकते हैं। यहाँ पे सामने वाली वॉल पे आप अपना LED प्लेस कर सकते हैं, चाहे इस वॉल पे करें चाहे उस वॉल पे करें, दोनों साइड आपको स्पेस अच्छे से मिल जाता है। आप जिस तरीके से मैनेज करना चाहें आपका ड्राइंग एरिया, उस तरीके से आप कर सकते हैं। इसके साथ कनेक्टेड बालकनी रहेगी, आइए बहुत सुंदर व्यू आपको यहाँ से मिलने वाला है बालकनी से। आइए गाइस, ये जो आपके फ्लोर बने हुए हैं ना, ये आपका यहाँ देखिए आप, ये आपका मेन गेट है। इसके साथ में बिल्कुल यहाँ पे आपके फ्लोर्स रहेंगे एंड सामने पूरे आपके कमर्शियल स्पेसेस लाइक पूरा मार्केट आ जाएगा आपके फ्लैट के सामने। तो आपको किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं होगी, कभी भी आपको कुछ शॉपिंग करना है, कोई सामान खरीदना है। एंड गाइज यहाँ पे बता दूँ मैं आपको कि काफ़ी ब्रांडेड आउटलेट्स यहाँ पे, रिटेल स्पेसेस काफ़ी अच्छे यहाँ पे आने वाले शोरूम्स रहेंगे। तो आपको शॉपिंग भी करनी रहेगी ना तो भी आप यहाँ से कर सकते हैं, आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब इतनी अच्छी एंड वेल ऑर्गेनाइज आपकी छिप रहने वाली कि सारी ही चीज़ें आपको अंदर मिल जाएंगी, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो आपकी मार्केट हो, सारी चीज़ें आपके अंदर ही रहेंगी। ग्रीनरी भी अगर हम देखेंगे तो काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने मेंटेन कर रखी है, यहाँ पे आपके फ्लैट के सामने बिल्कुल आपको देखने को मिल जाएगी। बालकनी के साइज़ के बारे में बात कर लेते हैं, तो काफ़ी वाइड बालकनी आपकी रहने वाली है, देख सकते हैं आप काफ़ी लंबी बालकनी है आपकी। आपके फर्स्ट बेडरूम के साथ भी ये कनेक्टेड रहने वाली है। यहाँ पे आप बहुत अच्छे सिटिंग स्पेसेस क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे बैठ के पूरा अपना फ्रंट का ग्रीन व्यू, अपना मार्केट व्यू यहाँ पे बैठ के आप इंजॉय कर सकते हैं। मतलब टी कॉफ़ी यहाँ पे ले सकते हैं बैठ के, प्लांटिंग वगैरह कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं, झूला वगैरह लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ का जो इस बालकनी का जो लुक रहने वाला है ना, आपको जो व्यू रहने वाला है वो आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पे मिलने वाला है। सो गाइज ये थे हमारी बालकनी, अब इसके बाद चलेंगे हम हमारे डाइनिंग स्पेस में। सो गाइज लुक एट दिस स्पेस, कितना ह्यूज स्पेस आपको यहाँ पे मिल रहा है। अगर मैं इसके साइज की बात करूँ तो इसका साइज रहने वाला है आपका 14.6x15.10। काफ़ी ज़्यादा स्पेस आपको मिल जाता है, जिस तरीके से ऑर्गेनाइज करना चाहें आप इसको आप कर सकते हैं ईजिली। यहाँ पे आ जाएगा आपका डाइनिंग स्पेस, प्रॉपर आप सेट कर सकते हैं। लाइक आपको इतना स्पेस मिल रहा है कि अगर आप एक अपना और लिविंग एरिया क्रिएट करना चाहें अगर थोड़ा सा, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं, आपको स्पेस बच जाएगा अपना डाइनिंग टेबल इंस्टॉल करने के बाद भी। क्रॉकरी यूनिट के लिए आपको यहाँ पे प्रॉपर स्पेस मिल जाएगा, जहाँ पे आप अपना क्रॉकरी यूनिट जो है वो फिट कर सकते हैं, अपने डाइनिंग एरिया को और भी अट्रैक्टिव लुक दे सकते हैं, उसके लिए आपको प्रॉपर स्पेस प्रोवाइड किया जा रहा है। कमिंग टू दिस साइड, यहाँ पे रहेगा आपका यूटिलिटी एरिया बोल सकते हैं आप इसको, अपना स्टोर रूम बोल सकते हैं, इसको कवर कर सकते हैं आप। बहुत सारी चीज़ें जो आपको नहीं बाहर रखनी है वो अंदर रख सकते हैं, या फिर अगर आप इसको स्टोर नहीं बनाना चाहते तो आप इसको अपना पूजा स्पेस बना सकते हैं। मतलब इनफ स्पेस है, चाहे स्टोर बनाएं, चाहे पूजा स्पेस बनाएं, चाहे किसी और तरीके से यूज़ करना चाहें वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। एंड गाइज आफ्टर दिस, अब यहाँ पर रहेगा हमारा किचन। गाइज ये कंप्लीट किचन आपको एल्कॉन की मिल जाती है, पूरी मॉड्यूलर रहेगी। अगर मैं इसके साइज़ की बात करूँ तो इसका साइज़ आपका रहने वाला है अप्रॉक्सीमेटली 8x10। काफ़ी अच्छा साइज़ आ जाएगा आपका, देख सकते हैं आप, पैरेलल में आपकी दो स्लैब्स आ जाएंगे एंड फ्रंट में यहाँ पे आपके सिंक्स रहेंगे, ड्यूल सिंक, जहाँ पे आपको वेंटिलेशन के लिए विंडो भी मिल जाती है। कैबिनेट्स की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ कैबिनेट्स आपको विद ग्लास डोर मिल रहे हैं, कुछ आपके नॉर्मल डोर के साथ आ जाएंगे। बीच में आ जाएगा यहाँ पे आपकी चिमनी के लिए स्पेस। एंड गाइस यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, चिमनी के लिए भी बिल्कुल कवर्ड स्पेस दिया गया है, पूरा प्रॉपर अच्छे से बना के। ये आपका पूरा कुकिंग काउंटर आ जाएगा, जहाँ पे आप अपना हॉब प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे आपके लिए गैस के लिए प्रोविजन आ जाएगा, गैस पाइपलाइन का। देन यहाँ पे भी डिफरेंट कैबिनेट्स रहेंगे आपके। लोअर कैबिनेट्स की बात करेंगे तो
साइज काफी अच्छा है कैबिनेट का, आप देख लें कितना बड़ा कैबिनेट है आपका सेंटर वाला, सॉफ्ट क्लोज के साथ रहेंगे। ये आपका थोड़ा बड़ा साइज आ जाएगा फिर, मतलब बोलने की बात ये है कि आपको यहाँ पे ना डिफरेंट साइज के कैबिनेट्स मिल जाएंगे एंड काफी अच्छे कैबिनेट्स है गाइज, काफी अच्छा मटेरियल यूज किया गया है। जितना भी सामान रखना चाहे छोटा हो बड़ा हो सारा आप इजीली यहाँ पे रख सकते हैं। अब आते हैं इस साइड, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाता है रेफ्रिजरेटर के लिए, अपना फ्रिज यहाँ पे लगा सकते हैं, ऊपर तक स्पेस है, जितना मर्जी बड़ा होगा सिंगल डोर होगा डबल डोर होगा इजीली यहाँ पे फिट हो जाएगा, उसके लिए प्रोविजन भी आपका यहाँ पे दिया गया है, प्रॉपर सॉकेट आ जाएगा। देन ये रहेगा आपका पेंट्री सेक्शन, आप देख सकते हैं इसको काफी अच्छे से मैनेज करके रख सकते हैं, काफी अच्छा स्पेस दिया गया है, बॉक्सेस आ जाएंगे आपके छोटे छोटे जिनमें आप अपना सारा जो भी आपका पेंट्री मटेरियल होता है वो आप यहाँ पे अपना स्टोर कर सकते हैं। देन यहाँ पे आ जाएगा आपके अप्लायंसेस का स्पेस, ऊपर आपका थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस आ जाएगा, देखिए ऊपर भी सामान रखना चाहे वो भी रख सकते हैं, यहाँ पे आपके अप्लायंसेस आ सकते हैं, योर माइक्रोवेव योर ओटीजी, नीचे अगेन आपको स्पेस मिल जाएगा। देन कमिंग टू दिस साइड, यहाँ पे आपके फिर अगेन कैबिनेट्स आ जाएंगे जहाँ पे आप अपने यूटेंसिल्स वॉश करके रख सकते हैं, प्रॉपर यहाँ पे आपका सिस्टम आ जाएगा। नीचे अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आपको डिफरेंट स्टोरेज के लिए स्पेस मिल जाता है, मतलब गाइज इस किचन में ना आपको भर भर के स्टोरेज का स्पेस मिल रहा है। गीजर का स्पेस आपका इस साइड रहेगा, इस यहाँ पे प्रोविजन है गीजर के लिए एंड आरओ के लिए आपका यहाँ पे प्रोविजन आ जाएगा, मतलब दोनों के प्रोविजन आपको प्रॉपर स्पेसेस प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सो गाइज ये था हमारा किचन, अब मैं आपको आउटर पार्ट्स दिखा चुकी हूँ घर के, आपका ड्राइंग डाइनिंग आपका किचन, अब हम चलेंगे रूम्स की तरफ। बट उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ कि आपके घर का जितना भी फ्लोरिंग रहेगा इसमें सारी आपकी कजारिया की टाइल्स यूज़ की गई हैं, आपके वॉशरूम्स जो रहेंगे उनमें आपका सारा सैनिटरी फिटिंग जो है वो जैगवार का आ जाएगा, कबर्ड्स आपके हर बेडरूम में मिल जाएंगे आपको क्योंकि आपका जो अपार्टमेंट है ये आपको सेमी फर्निश्ड मिल रहा है एंड जो आपका मास्टर बेडरूम रहेगा यहाँ पे आपकी जो फ्लोरिंग रहेगी वो आपकी वुडन की फ्लोरिंग रहेगी। तो आइए वन बाय वन अब हमारे रूम्स चेकआउट करते हैं, तो पहले हम सबसे फर्स्ट वाला बेडरूम चेकआउट करेंगे। आइए रूम की एंट्री में ही यहां पे आपके कबर्ड्स रहेंगे जो आप देख सकते हैं, काफी अच्छे स्पेस के साथ आ जाएंगे, काफी अच्छा लेआउट है कबर्ड्स का, दो कबर्ड्स रहेंगे आपके यहां पे भी आ जाएंगे। देन यहां आ जाएगा आपका वॉशरूम, सो ये रहेगा वॉशरूम, जैसे कि मैंने आपको बताया था पूरी जैगवार की फिटिंग रहेगी, स्टार्टिंग में यहाँ पे आपका बेसिन आ जाएगा विद वैनिटी रहने वाला है, देन आपका सीट रहेगा, देन यहाँ पे आपका बाथिंग सेक्शन, अगर आप चाहेंगे पार्टीशन लगा के यहाँ पे इसको सेपरेट भी कर सकते हैं, यहाँ पे फॉर द लाइट एंड वेंटिलेशन विंडो आ जाएगा आपका, एग्जॉस्ट के लिए स्पेस, आपके गीजर के लिए प्रोविजन आ जाएगा, इस तरफ आपका शार, आपके टैप्स जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे प्रोवाइडेड रहेंगे, एंटिस के टाइप की सारी फ्लोरिंग आ जाएगी एंड फुल वॉल लेंथ पे आपका टाइल्स प्रोवाइडेड है एंड गाइस टाइल्स का कलर भी बहुत अच्छा लगाया है इन्होंने यहाँ पे वॉशरूम के अंदर। सो गाइस ये आ जाएगा आपका रूम साइज की बात करूं 13.6x12 इसका साइज रहने वाला है, काफी अच्छे साइज के साथ आ जाएगा, आपके कबर्ड स्टार्टिंग रहेंगे, देन आपका वॉशरूम, देन आपका ये पूरा रूम का स्पेस आ जाएगा जहाँ पे सेंटर में यहाँ पे आप अपना बेड इंस्टॉल कर सकते हैं, देन साइड टेबल्स भी आपके इजीली आ जाएंगे, सामने वाली वॉल पे आ जाएगी आपकी एलईडी, पैनलिंग करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, मतलब जिस तरीके से आप डेकोरेट करना चाहें रूम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, लाइक इतना ज़्यादा स्पेस है कि काफ़ी सारा कुछ फर्नीचर जो है वो अपने रूम में आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। एसी के लिए आपको पूरे घर में प्रोविजन मिल जाएंगे, यहाँ पे भी रूम में भी आ जाएगा आपका एंड पूरे घर में भी आपको प्रोविजन मिल जाएंगे। सो गाइस इसके साथ भी आपकी बालकनी अटैच रहेगी जो मैंने आपको आपके ड्रॉइंग एरिया से दिखाई थी, सेम आपकी कॉमन बालकनी आ जाएगी इन दोनों की। सो गाइस अब ये था हमारा फर्स्ट बेडरूम, अब चलेंगे हमारे सेकेंड बेडरूम में।
सो ये आ जाएगा हमारा सेकंड बेडरूम, योर मास्टर बेडरूम। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका टाइल वर्क कुछ भी नहीं हो रखा है, क्योंकि इसमें आपका सारा वुडन फ्लोरिंग आएगा। तो जैसे ही आप परचेज करेंगे, आपका कंप्लीट वुडन फ्लोरिंग जो है वो यहाँ पे सेट हो जाएगा। साइज की बात करूं तो इसका साइज रहेगा आपका 11x12.9। इसमें भी यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉपर आपके बेड के लिए स्पेस आ जाएगा, साइड टेबल्स आ जाएंगे आपके, फ्रंट में आ जाएगा स्पेस आपके एलईडी के लिए, पैनलिंग करना चाहे पैनलिंग कर सकते हैं, ऐसे ही अपना एलईडी लगाना चाहे वो भी कर सकते हैं। इसके साथ भी आपका बालकनी अटैच आ जाएगा, जो आपका किचन के साथ एंड आपके थर्ड बेडरूम के साथ भी कनेक्टेड रहेगा। तो मैं आपको थर्ड बेडरूम से वो चेकआउट कराऊंगी। यहाँ आ जाएंगे आपके वॉशरूम। तो यहाँ पे ना आपको जो कवर्ड्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट स्पेस में यहाँ पे मिल रहे हैं। आपका ड्रेसिंग टेबल यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट आ जाएगा, मिरर यहाँ पे लगा के अपना, आपको यहाँ पे नीचे कैबिनेट मिल जाएगा, अपना वैनिटी वगैरह मेकअप वगैरह यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। देन यहाँ पे भी आपके कवर्ड्स आ जाएंगे एंड इस साइड भी आ जाएंगे, लाइक तीन कवर्ड आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। एंड देन यहाँ पे रहेगा आपका वॉशरूम, आप देख सकते हैं वॉशरूम में भी आपका सारा वुडन टेक्सचर का फ्लोरिंग आ जाएगा, फुल वॉल लेंथ की टाइलिंग रहेगी। यहाँ पे भी आपकी फिटिंग की बात करूं तो जैगुआर की सारी फिटिंग रहेगी, आपका बेसिन आ जाएगा। एंड गाइस बेसिन का जो डिजाइन है वो भी काफी अच्छा दिया गया है आपके मास्टर बेडरूम में, लाइक बाकी में भी है बट इसमें थोड़ा डिफरेंट आ जाएगा। वैनिटी भी है आपकी, सीट आ जाएगी यहाँ पे, आपके शार एंड देन योर टैप्स प्रोवाइडेड है कम्प्लीटली। सो गाइस ये था हमारा सेकंड बेडरूम, अब चलते हैं हमारे थर्ड बेडरूम में। थर्ड बेडरूम में जाने से पहले मैं आपको ये कॉमन वॉशरूम दिखा देती हूँ, जो आपके थर्ड बेडरूम के साथ भी कनेक्टेड रहेगा। सो ये आ जाएगा आपका कॉमन वॉशरूम, आपके थर्ड बेडरूम के साथ भी कनेक्टेड है एंड आपके ड्राइंग डाइनिंग के साथ भी कनेक्टेड है, मतलब आपके गेस्ट वगैरह भी यूज कर सकते हैं। सारी यहाँ पे आपकी जैगुआर की फिटिंग रहने वाली है, स्टार्टिंग में आपका बेसिन आ जाएगा। वैनिटी यहाँ पे आपको वैनिटी थोड़ी बड़ी मिल जाती है कॉमन वॉशरूम में, सीट आ जाएगी। देन यहाँ पे बिल्कुल सेपरेट रहेगा आपका बाथिंग सेक्शन, शार आ जाएगा आपका, टैप्स प्रोवाइडेड हैं आपके एंड यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए विंडो दो दो प्रोवाइडेड है, एग्जॉस्ट के लिए भी स्पेस आ जाएगा आपका एंड गीजर वगैरह के लिए भी, लाइक पूरा आपको प्रोविजन यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो यहाँ आ जाएगा उसके बाद हमारा थर्ड बेडरूम। तो सबसे पहले रूम के साइज की बात कर लेते हैं, 11x12.9 इसका साइज रहने वाला है, मतलब आपका जो मास्टर बेडरूम है एंड जो आपका ये वाला बेडरूम है आपका थर्ड बेडरूम, ये दोनों सेम साइज के आ जाएंगे। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सेंटर में आपके बेड के लिए प्रॉपर स्पेस आ जाएगा, साइड टेबल आप यहाँ पे रख सकते हैं एंड देन यहाँ पे आ जाएंगे आपके कबर्ड्स। अब देख लीजिए काफी अच्छे लेआउट आ जाएगा कबर्ड्स का, स्पेस भी काफी अच्छा है, लाइक दो कवर्ड आ जाएंगे, इजीली आप अपना सारा स्टफ इनमें स्टोर कर सकते हो। एंड देन उसके बाद सामने वाली जो आपकी वॉल आ जाएगी, यहाँ पे आप अपना एलईडी प्लेस कर सकते हैं, पूरे यहाँ पे आपके लिए सॉकेट वगैरह प्रोवाइडेड है। तो फ्रंट वाली वॉल पे यहाँ पे आ जाएंगे आपके एलईडी के लिए स्पेस, सॉकेट वगैरह आपका पूरा प्रोवाइडेड है, तो यहाँ पे एलईडी लगा सकते हैं, पैनलिंग भी कर सकते हैं, अगर ऐसे लगाना है तो ऐसे भी आप लगा सकते हैं। इसके साथ भी आपका बालकनी कनेक्टेड रहेगा एंड गाइस ये जो बालकनी है ना आपकी, इसमें इतनी अच्छी हवा चल रही है ना, मतलब क्या बताऊँ मैं आपको, अगर आप यहाँ पे बैठेंगे ना गर्मियों के मौसम में आपको बहुत मजा आने वाला है। आइए तो गाइज ये आ जाएगी आपकी बालकनी, जो आपके थर्ड बेडरूम एंड आपके मास्टर बेडरूम के साथ कनेक्टेड रहेगी। गाइज बहुत अच्छी हवा चल रही है इस बालकनी में ना, जब भी आप बैठेंगे आपको बहुत मजा आएगा, जैसे कि मैंने बोला ही था। तो काफी वाइड बालकनी आपको ये मिल रही है, यहाँ से ना पूरा आपका हाईवे दिख जाता है, आपका PR7 जो रोड है जो आपके प्रोजेक्ट के साथ कनेक्टेड है वो आपको पूरा यहाँ से देखने को मिल जाएगा। ये जो आप रेलिंग देख रहे हैं काफी अच्छी हाइट के साथ आ जाएगी एंड गाइज जो आपका बैक साइड में भी जो टार टू टार का डिफरेंस आ जाएगा ना वो काफी अच्छा है, मतलब वेंटिलेशन के लिए आपको प्रॉपर स्पेस यहाँ पे मिल जाएगा, चाहे वो फ्रंट साइड से हो चाहे वो बैक साइड की बात कर लें, मतलब क्रॉस वेंटिलेशन आपके फ्लैट में प्रॉपरली होता रहेगा। टैप्स वगैरह भी प्रोवाइडेड हैं आपके, अगर यूटिलिटी के पर्पज से यूज़ करना चाहें तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, वॉशिंग मशीन वगैरह यहाँ पे लगा सकते हैं, वॉशिंग का और भी जितना एक्टिविटी होता है वो भी आप यहाँ पे इजिली कर सकते हैं।
तो गाइस इसी के साथ आज के इस 3+1 BHK का टूर हमारा कंप्लीट होता है। पूरा फ्लैट आपको दिखा चुकी हूँ, पूरी टाउनशिप के बारे में आपको बता चुकी हूँ कि आपको एक ही टाउनशिप के अंदर डिफरेंट आपको इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाएंगी। फ्लोर बाय कर सकते हो, प्लॉट बाय कर सकते हो, कमर्शियल में इन्वेस्ट करना चाहते हो वो कर सकते हो, एंड उनमें भी आपको फर्दर बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की ऑप्शंस मिल जाएंगी। डिफरेंट साइज आ जाएंगे, डिफरेंट बजट्स आ जाएंगे, लाइक जहाँ पे भी आप करना चाहें अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपने बजट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। कनेक्टिविटी की बात करते हैं, वो भी आपको काफी अच्छी मिल जाएगी। यहाँ पे दो मेजर हाईवेज कनेक्टेड रहेंगे, एक आपका PR7 आ जाएगा, एक VR10 रोड आपको मैंने बताया था। तो कहीं से भी आप एक्सेस करना चाहें प्रोजेक्ट के लिए, या प्रोजेक्ट से कहीं के लिए भी एक्सेस करना चाहें, आप इजीली यहाँ से कर सकते हैं। नियर बाय में प्लेसेस की अगर मैं बात करूँ, आपका VR मॉल बहुत नज़दीक पड़ जाता है, आपका मैक्स हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल यहाँ पे आपको नज़दीक में मिल जाता है। CU के लिए आप यहाँ से डायरेक्टली हेड कर सकते हैं, चंडीगढ़ ईजिली जा सकते हैं। आप हिमाचल की साइड जाना चाहते हैं वहाँ पर जा सकते हैं, फर्दर पंजाब के लिए एक्सेस कर सकते हैं। मतलब आपको सारी ही चीज़ें यहाँ पे नियर बाय में मिल जाएंगी। एंड सबसे अच्छी बात गाइस, जिस लोकेशन पर ये टाउनशिप लोकेटेड है ना, उसके आसपास का जितना भी एरिया है आपका, वो आपका रिक्रिएशनल जोन आ जाएगा। जो मैंने फ्रंट का आपको दिखाया भी था, वहाँ पे आपकी इन फ्यूचर कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं होगी। तो आपका यहाँ पे जो एक नेचुरल एनवायरनमेंट है ना, वो यहाँ पे हमेशा बना रहेगा। नेचुरल ऑक्सीजन आप यहाँ पे ले सकते हैं, तो आपकी हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाती है। तो अगर आपको ये फ्लैट अच्छा लगा हो, प्रोजेक्ट अच्छा लगा हो, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा, बाय बाय।